गुड मॉर्निंग बच्चों, आज बायोलॉजी के अंतर्गत मैं आप लोगों को केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बता रहा हूँ। केंद्रक होता क्या है वो आपको कोशिका के अंदर मैंने दिखाया होगा कि कोशिका के अंदर जो गाढ़ा द्रव होता है उसमें एक गोल रचना दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वह स्पष्ट दिखाई देती है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तो इस तरह की रचनाएं दिखाई देती है। इसमें एक दोहरी झिल्ली होती है, ये झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जो कि राइबोसोम होते हैं। ये दोहरी झिल्ली को हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर भी एक गाढ़ा द्रव होता है जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे महीन छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का आदान प्रदान होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य केंद्रक के अंदर प्रवेश करती है और केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में प्रवेश करती है। उसके बाद एक बहुत ही महीन सूक्ष्म कणों जैसी रचना दिखाई देती है, अर्थात एक गोल रचना होती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। इसमें पतले धागे जैसी बहुत सारी रचनाएं होती है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। अंतःप्रतलीय जालिका इसमें आपको बाहर से चारों तरफ दिखाई पड़ती है, यानी कि कोशिका द्रव के मध्य में एक गोल रचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर जो हरी झिल्ली पाई जाती है जिसमें अनेक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य का आदान प्रदान होता है। प्रायः एक केंद्रक प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है, किंतु कुछ कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य महीन धागों का एक जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो यह क्रोमैटिन एक मोटे छड़ की तरह दिखाई पड़ती है जिसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, जिस पर डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन पाया जाता है जो कि अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। यानी कि एक जीव के गुण दूसरे जीव में इसी डीएनए के खंड जीन के द्वारा जाता है जिसे हम अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। यानी कि उसके संतानों का गुण माता पिता के गुण से मिलता है, क्यों? क्योंकि इसी क्रोमोसोम के द्वारा ही क्या होता है, जीनों का आदान प्रदान होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अगर केंद्रक ना हो तो किसी भी कोशिका का विभाजन नहीं होगा, या यह जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कि कोशिका के अंदर या जीव के अंदर जितनी भी जैविक या रासायनिक क्रियाएं होती है सबका नियंत्रण इस केंद्रक के द्वारा यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए उत्पन्न करता है, यानी कि शरीर में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो आरएनए के द्वारा होता है, और वह किसी विशेष आरएनए के द्वारा होता है वह आरएनए उत्पन्न करता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। आगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा।